हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट्स सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। रीड इट लाउड कीपिंग टू अ स्ट्रांग एंड रेगुलर रिदम। जो हमारी ये पोएम है, ये कैसी पोएम है? ह्यूमरस पोएम है। सजेस्ट सम डेंजरस वेज, और ये कुछ हमें डेंजरस वेज से बताती है, डेंजरस तरीके से हमें बताती है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसको बताती है। और इस पोएम को हमें एक रिदम में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको इसके ट्रांसलेशन बताऊंगी, इसको हिंदी में बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी। If ever you should go by chance to jungles in the east, chance क्या होता है students? Chance होता है to move forward towards about something, you can say somebody something, जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। To the jungles in the east, क्या कहते हैं poet कि यदि आप में से कोई, यदि आप By chance, fortunately, भाग्यवश, अगर संयोगवश आप कहाँ जाते हैं? To jungles in the east, पूर्व के जंगलों की ओर जाते हैं। And if there should to you advance, तो जब आप वहां पहुंचेंगे, आपके वहां पहुंचने पर क्या होगा? And if there should be to you advance a large and 20 beast, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? पहले से ही a large अ बिग, लार्ज मीन्स बिग एंड 20 मीन्स टॉनी मीन्स ब्राउनिश येलो इन कलर, भूरे पीले रंग का बीस्ट मीन्स एनिमल आपको मिलेगा। आपको एक बड़ा और भूरे येलो और पीले रंग का एक बीस्ट मिलेगा, एनिमल मिलेगा। इफ ही रोर्स एट यू, रोर्स गिव्स आउट लाउड साउंड, अगर वो जोर से दहाड़ता है, एट यू आप पर, यदि वह आप पर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग मीन्स डाइंग, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप मर रहे होते हैं, मीन्स डर की वजह से आपके प्राण निकल रहे होते हैं। यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आपको समझ जाना चाहिए, आप समझ जाओगे कि ये एशियन शेर है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन दी है, अब मैं आपको इसका इंग्लिश टू इंग्लिश बताती हूँ। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश कम समझते हैं वो इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें, और बाकी स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस लार्ज एंड टॉनी बेस्ट, then he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. The poet here cautions the readers against the wild animals, wild beasts found in the jungle. He says that if by chance you happen to go to any forest in the east, you are likely to encounter a huge and terrible animal moving forward towards you. You will notice that it is brownish yellow in color, and if that beast roars loudly at you and you feel that you are going to die due to a fear, then you will come to know that it is the Asian lion. If ever you should go by chance, if you go to the jungles in the east, if you go in the east directions, in the east direction, and if there should do you advance, and you will found that there is a large and yellow brownish yellow in color wild animal there, and that animals gives out loudly sound at you, and at that time you are dying,
इट मीन्स दैट यू विल नो इट इज द एशियन ड्यू टू फियर. यू आर डाइंग ड्यू टू फियर. यू विल नो दैट इट इज द एशियन एनिमल. और इफ समाइम when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Students, यहाँ पर जो ये बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि जब आप पूर्व के जंगल में जाएंगे, ईस्ट की डायरेक्शन के जो जंगल है उस वहां जाएंगे, तो आपको वहां पहले से, क्योंकि जब आप जाते हैं किसी जंगल में जा रहे होते हैं, जंगल में से गुजर रहे होते हैं, व्हेन यू आर पासिंग थ्रू द जंगल यू विल फाइंड सम एनिमल्स देयर. तो इसका मतलब क्या है कि वो सब एनिमल्स वहां पे एडवांस में ऑलरेडी वहां पर हैं. तो जब आप पूर्व के जंगलों में जाएंगे और वहां पर अगर आपको पहले से ही टॉनी बिस्ट मिलता है ब्राउनिश येलो इन कलर, जो आपको पीले भूरे रंग का अगर कोई बिस्ट मिलता है, एनिमल मिलता है बड़ा, तो आपके ऊपर क्या करेगा वो, एज ही रोर, जैसे ही वो आपके ऊपर दहाड़ लगाएगा, एज ही गिव्स आउट लाउड साउंड, जैसे ही वो जोर से दहाड़ेगा तो आपके प्राण निकलने को हो जाएंगे. तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह एशियन लायन है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एशियन लायन है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या दी, क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि इस ह्यूमरस पोएम में जो पोइट है वो हमें सजेस्ट करती है, ये पोएम हमें सजेस्ट करती है कुछ डेंजरस वेज से, कुछ खतरनाक तरीके से वो हमें एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताती है. तो स्टूडेंट्स, अगर ये यहाँ पर इसकी सुंदरता के बारे में भी वो बता सकते थे, हमें जो एशियन लायन है, एशियन लायन की ब्यूटी के बारे में बता सकते थे कि ब्राउनिश, येलो ब्राउनिश कलर का है और बड़ा सुंदर है, मजेस्टिक वो इसकी जो चाल है वो बहुत सुंदर है. लेकिन नहीं, इसने पहले ही हमें बता दिया कि इसका जो तरीका है वो क्या होगा, डेंजरस. ये हमें खतरनाक तरीके से बताता है. इसीलिए उसने क्या बताया कि जब आप पूर्व के जंगलों में जाओगे तो आपको एडवांस में ही वहां पर एशियन लायन मिलेंगे, जो कि कैसे कलर के होंगे, जो बड़े होंगे और भूरे पीले रंग के होंगे, आप पर दहाड़ेंगे तो आपके प्राण निकलने को हो जाएंगे. तो आपको पता चल जाना चाहिए ये एशियन लायन है. तो स्टूडेंट्स, इन चीजों से हमें क्या पता चलता है, कैसा तरीका उन्होंने बताया है, डेंजरस वे से वो अपने व्यूज को बताते हैं. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Noble means kind. Kind are here very impressive in size. और जो इसका क्या नाम है, बॉडी की अपीयरेंस बताई है, वो कैसी बताई है, जो इसकी ग्राउंड है, जो बेस है वो कैसा है, येलो कलर का है, और उस पर जो स्ट्रिप्स हैं वो कैसी हैं, ब्लैक कलर की हैं. ये तो इसकी अपीयरेंस बता दी, कौन सा है, बंगाल टाइगर. द बंगाल टाइगर की फिजिकली अपीयरेंस कैसी होगी, With black stripes on a yellow ground. और जो एशियन लायन उसकी क्या होगी, A large and tawny beast. और ये dangerous कैसे हैं, ये dangerous हैं, As he roars at you, you are dying. और यहां पर क्या है, Just notice if he eats you. यहां पर तो वो सिर्फ दहाड़ेगा, जो एशियन लायन है वो सिर्फ दहाड़ती हैं, लेकिन जो द बंगाल टाइगर है वो क्या करेगा, जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, यदि उसे पता चल जाए कि आप आए तो वो आपको खा जाता है. दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न क्या होगा, मेक आउट, यू कैन इसे आइडेंटिफाई, पहचान सकते हैं आप, पहचान लोगे कि वो बंगाल का टाइगर है. तो स्टूडेंट्स, क्या है कि रोमिंग क्या होता है, मीनिंग रोमिंग होता है जब इधर उधर घूमना होता है, वांडरिंग, बिल्कुल वांडरिंग मीन्स इधर उधर घूमना, दाएं बाएं घूमना, दाएं बाएं यू कैन से दैट
जब हम कहीं घूमने जाते हैं बस सिर्फ ये कि हमें घूमना है, दैट इज कॉल्ड रोमिंग। और इफ सम टाइम व्हेन यू आर रोमिंग, या अगर आप इधर उधर घूमते समय कहाँ पहुंच जाते हैं, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट्स यू, आप जंगल में पहुंच जाते हैं। कैसे जंगल में पहुंच जाते हैं, और इसमें जंगल का नाम नहीं दिया हुआ कि आप कहाँ कैसे उसमें पहुंचते हैं, तो वहां पर एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक नोबल, नोबल मीन्स काइंड, नेक, इम्प्रेसिव इन साइज, तो वहां पर जो नोबल एक नेक जंगली एनिमल होगा वो आपका क्या करेगा, ग्रीट्स यू। ग्रीट्स क्या होता है, आपका वेलकम करना होता है, तो वो आपका वेलकम करता है, अभिवादन करता है। और वो कैसा है, विद ब्लैक स्ट्रेप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, उसकी येलो बेस पर जो ग्राउंड है उसकी स्किन का वो येलो है, उसके ब्लैक स्ट्रिप्स हैं। और जैसे ही वो ये देखेगा कि आप आ गए हैं या कोई ह्यूमन बीइंग है, तो वो क्या करता है, आपको खाता है। और ये साधारण तरीका ही आपको बता देगा कि ये बंगाल का टाइगर है, टू डिसर्न आपको बता देगा और आपको आइडेंटिफाई कर देगा ये कि वो बंगाल का टाइगर है। द पॉइंट इज दैट इट इज वेरी लाइकली दैट वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट, व्हेन रोमिंग ग्राउंड, वाइल रोमिंग इन द फॉरेस्ट, यू आर ग्रीटेड, आपका अभिवादन किया जाएगा बाय अ वाइल्ड बीस्ट, यू आर ग्रेटेड बाय अ वाइल्ड बीस्ट, द वाइल्ड एनिमल इज वेरी इम्प्रेसिव इन साइज एंड हिज मजेस्टिक बॉडी इज कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड एंड हिज मजेस्टिक बॉडी इज कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो साइड। Just notice if it's you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. The poet cautions that if the readers notice the beast and that if he eats them, then the simple rule will teach them that it is a Bengal tiger. स्टूडेंट्स, आपके दो स्टैंजेस मैंने स्टैंजास करवाए हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक सो। नाउ वी आर गोइंग टू डू थर्ड स्टैंजा। स्ट्रॉलिंग फोर्थ बेस्ट व्यू हुज हाइट विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, सो एज सून एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, आई विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। यहां पर जो पोइट है हमें क्या बताने जा रहे हैं, यहां पर हमें लेपर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। इट स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग वॉन्डरिंग, यू कैन सी वॉन्डरिंग मीन्स स्ट्रॉलिंग, फोर्थ फोर्थ होता आगे बढ़ना, स्ट्रॉलिंग मीन्स टू वॉक समवेयर इन अ स्लो रिलैक्स्ड वे, धीरे धीरे रिलैक्स मोड में आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉलिंग फोर्थ। ही स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, तो आपके विचार में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यू दिस वन इज अ वाइल्ड एनिमल, whose hide means here skin, whose hide, जो उसकी skin है, his skin किसे covered है, covered with spots, peppered means covered, spotted you can say, whose hide with spots is peppered, जो उसकी skin है, उसकी जो body की skin है वो किससे covered है, With spots is peppered, his body is covered, his skin is covered with spots. As soon as he has lapped on you,
लेफ्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट मीन्स टू जंप हाई, टू जंप हाई आप पर मीन्स कूदना, और अलोंग वे कैन से कि जब ये जैसे ही एज सून एज जैसे ही हैज लेफ्ट ऑन यू, ये आप पर झपटेगा, आप पर कूदेगा, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो यू विल आइडेंटिफाई दैट इट इज द लेपर्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेपर्ड है. आई विल नो I will do no good to roar with pain. It is not benefit to roar with pain because it don't bother your pain. अगर आप दर्द में चीखते चिल्लाते जब यहाँ पे झपटेगा तो उसका चिल्लाने का कोई भी benefit नहीं होगा. Your cry will be useless and your cry will in vain. He will only lap and lip again. Just he यहाँ पर क्या करता रहेगा, continue pouncing on you. आप पर लगातार ही ये क्या करता रहेगा, आप पर झपटता रहेगा, आपको खाता रहेगा. So be careful and don't allow it to lip on you. आप इससे पीछा अपना नहीं छुड़ा पाएंगे, इससे आप अपने आप को पीछे नहीं कर पाएंगे. स्टूडेंट्स आज हम 3 स्टेंजाज करेंगे और ब्लैक एरोप्लेन जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हमारे रहते हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे, प्लस में एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट का भी करवाने जा रही हूँ. व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे, जो स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है. स्टूडेंट्स मैसेज को देने के लिए हम कन्वे बोलते हैं, कन्वे वर्ड यूज किया जाता है कि ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है. हिज फर्स्ट फ्लाइट इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी, जो ये स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट ये कैसी स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है, ये एक शिक्षाप्रद कहानी है. दिस स्टोरी प्रेरणा देने वाली है, इंस्पायर करती है हमें, प्रेरणा देने वाली है. दिस स्टोरी शोज दैट ब्रेवरी एंड कवार्डिस आर द रिलेटिव टर्म्स, ये हमें बताती है दिखाती है कि जो बहादुरी है और जो डरपोकता है वो क्या है, दोनों ही रिलेटिव हैं, एक दूसरे के पूरक हैं. वन शुड नॉट लूज होप व्हाइल इन अ डेंजर, किसी को भी अपने उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए. वाइल इन अ डेंजर, जब खतरे में हो. लाइक द यंग सीगुल, सीगुल की तरह. द स्टोरी कन्वेज द मैसेज, जो स्टोरी है वो हमें मैसेज कन्वे करती है, वो हमें मैसेज देती है दैट वी लर्न बाय कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, कि हमें अपने कॉन्फिडेंस से और मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब किसी के द्वारा हम मोटिवेट किए जाते हैं, जब हमें प्रेरणा दी जाती है किसी के द्वारा कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको एनकरेज करे कोई, तो उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं. वेन समवन इज एनकरेज्ड बाय समवन एल्स, जब कोई किसी के द्वारा एनकरेज किया जाता है दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन, तो उसको मोटिवेशन कहा जाता है. कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन आर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट्स, जो कॉन्फिडेंस है और मोटिवेशन है ये महत्वपूर्ण दो ट्रेट्स हैं, जो क्या बताते हैं दैट मेक एनी लर्निंग पॉसिबल, जो किसी भी चीज को सीखना पॉसिबल है ऐसा हमें बताते हैं. अ यंग सीगुल इज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट, जो एक जो छोटा सीगुल है वो अपने पेरेंट्स के द्वारा बड़े प्यार से उसको भोजन करवाया जाता है. बट वेन द टाइम कम्स फॉर हिम टू फ्लाई, लेकिन जब उसका उड़ने का समय आता है ही फील्स अफ्रेड, तो वो डर महसूस करता है. हिज पेरेंट्स ट्राई मैनी ट्रिक्स टू टीच हिम टू फ्लाई, उसके जो पेरेंट्स होते हैं बहुत सारी तरकीब यूज करते हैं उसको उड़ना सिखाने के लिए. बट ही इज सो अफ्रेड, लेकिन वो इतना डरा हुआ है दैट ही रिफ्यूज टू फ्लाई, वो उड़ने से इनकार कर देता है. हिज मदर टेम्प्ट्स हिम,
अटेम्प्ट क्या होता है, अट्रैक्ट सिम, उसकी जो मदर है उसको अट्रैक्ट करती है, उसको प्रभावित करती है, उसकी मदर से वो प्रभावित होता है, उसको प्रलोभित करती है, किसी भी चीज को दिखाकर किसी को प्रलोभन देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड टेम्प्ट्स। हिज मदर टेम्प्ट्स हिम, उसकी माँ उसे प्रलोभित करती है, उसे मीन्स चीजें दिखाकर अपनी तरफ लुभाने का प्रयास करती है, विद फूड, भोजन दिखाती है उसको, इन हर बीक, अपनी चोंच में, इन ऑर्डर टू गेट फूड, इन ऑर्डर टू का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स फोर, एफ ओ आर फोर, के लिए, इन ऑर्डर टू गेट फूड, भोजन प्राप्त करने के लिए, द हंग्री सीगुल कम्स टू द एज ऑफ द रॉक, तो जो भूखा सीगुल है वो रॉक के किनारे तक आता है, एंड फॉल्स फ्रॉम इट, इससे गिर जाता है, एट फर्स्ट ही, पहले तो वह इस टेरिफाइड डर जाता है, बट देन, लेकिन बाद में ही ओपन्स हिज विंग्स, वह अपने पंखों को फैलाता है, खोलता है, एंड स्टार्ट्स टू फ्लाइंग एंड डज नॉट फॉल इन द सी, उड़ने की कोशिश करता है, समुद्र में नहीं गिरता, इन दिस वे, इस प्रकार द यंग सीगुल मेक्स द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ, इसी प्रकार जो सीगुल है वो अपने जीवन की पहली उड़ान भरता है, वेन ही टेक्स करेज, जब उसमें साहस आता है, जब वो साहस अपनाता है तो वो अपनी पहली उड़ान लाइफ की करने में सक्सेस होता है। अब हम ब्लैक एरोप्लेन क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा, वट इज द रिस्क, जो जोखिम है, जो रिस्क है वो क्या है, वाई डज द नैरेटर टेक इट, जो नैरेटर है, जो वर्णन करता है, वो ये रिस्क क्यों उठाता है, द नैरेटर वॉज कीन टू रीच हिज होम, जो नैरेटर है वो अपने घर पहुंचने के लिए बहुत कीन है, ललायत है, टू स्पेंड हिज होलीडे विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ अपनी होलीडेज को स्पेंड करने के लिए वो घर जाना चाहता है, जिसके लिए वो बहुत ललायत है, सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म, इसीलिए वह तूफान में से भी जाने का फैसला कर लेता है, एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट, इस प्रकार वह जो ब्रेकफास्ट के समय मीन्स अपनी फैमिली के साथ सुबह ब्रेकफास्ट करने का जो मौका है उसको मिस करने देना नहीं चाहता, सो ही टुक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म क्लाउड, इसलिए वह तूफान में से अपना सीधा जो डकोटा है उसको उड़ाने की रिस्क वो ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म, यहाँ पर हमें नरेटर के एक्सपीरियंस को बताना है जब वो अपना डेकोटा तूफान में से उड़ाता है, तूफान में से निकाल कर ले जाता है, तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है। एज द नरेटर एंटर्ड द स्टॉर्म, जैसे ही जो नरेटर है वो तूफान में एंटर करता है, हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, तो उसका जो एरोप्लेन होता है वो कूदने लगता है और बल खाने लग जाता है, ट्विस्ट होने लग जाता है, मुड़ने लग जाता है, ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज ब्लैक, और वो बाहर कुछ भी नहीं देख सकता, ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड, वह बाहर कुछ भी नहीं देख सकता, द प्लेन से बाहर वो कुछ नहीं देख सकता, एज इट वॉज ब्लैक, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा होता है, बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली ब्लैक, द कम्पास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो कम्पास होता है उनका जो दिशा सूचक होता है, जो दिशा के बारे में बताता है वो, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके जो अन्य यंत्र थे एरोप्लेन में वो सभी क्या हो जाते हैं, हैड स्टॉप्ड टू फंक्शन, काम करना बंद कर देते हैं ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से, देन ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन, फिर वह दूसरा एरोप्लेन देखता है, ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई देता है, इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, इसके जो विंग्स होते हैं उन पर लाइट नहीं होती, बट इट गाइडेड हिम अहर्ड, लेकिन जो ब्लैक एरोप्लेन है वो उसको गाइड करता जाता है, उसको रास्ता दिखाता चलता है,
देन इट वेंट आउट ऑफ साइट, फिर वह उस दृश्य से बाहर आ जाता है, निकल आता है. बट द ऑथर वॉज सेफ, और जो ऑथर होता है वो सुरक्षित रह जाता है. व्हाई डज द नैरेटर से, जो वर्णन करता है वो ऐसा क्यों कहता है, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी, जब मैं नीचे उतरा, टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, ओल्ड डेकोटा से नीचे उतरकर जब मैं चला तो मुझे उसके लिए कोई भी सॉरी फील नहीं हुई, मुझे कोई भी अफसोस नहीं हुआ. ऐसा नरेटर क्यों कहता है स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा भी स्टोरी में ध्यान होगा तो वो क्यों कहता है, क्योंकि इतने डार्क में से, इतने अंधेरे में से वो सेफली आ जाता है. तो उसको ये नहीं लगता कि भगवान की मर्जी है या क्या कारण है, व्हाटसोएवर इट हैपेंड दैट टाइम. तो उसको क्या लगता है कि मींस मैं ब्लैक एरोप्लेन था, मैं उसके पीछे पीछे आ गया, हालांकि जो इन रियलिटी कि ब्लैक एरोप्लेन नाम की कोई चीज होती नहीं है. द नरेटर डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग इन द स्टॉर्म एज इट वॉज एन ओल्ड डेकोटा विच वॉज नॉट वेरी बिग. वो जो नरेटर है अपने एक्सपीरियंस का वर्णन करता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है, जो वो एरोप्लेन उड़ा रहा होता है तूफान में अपने डेकोटा को, जो कि बहुत पुराना है, विच वॉज नॉट वेरी बिग, जो कि बड़ा भी ज्यादा नहीं है. ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, उसको ओल्ड डेकोटा से चलने में, नीचे उतर कर आने में कोई भी गिल्टी फील, सॉरी फील नहीं होता, अफसोस नहीं होता, बिकॉज क्योंकि इट हैड सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि इस एरोप्लेन ने उसके जीवन को बचाया है. सीम्ड इम्पॉसिबल, जो कि कैसा दिखाई देता था, इम्पॉसिबल दिखाई देता था बचना उसके लिए, लेकिन ये डेकोटा ने उसको बिल्कुल सेफली पहुंचा दिया है. लेकिन स्टूडेंट सेफली पहुंचा दिया है किसकी हेल्प से, ब्लैक एरोप्लेन की हेल्प से पहुंचा देता है. व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल रूम, कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली. जो कंट्रोल रूम में लेडी होती है, वुमेन होती है, वो नरेटर की तरफ स्ट्रेंजली मीन्स अजीब तरीके से क्यों देखती है, इतनी हैरानी से नरेटर की ओर वो क्यों देखती है. द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली. जो कंट्रोल रूम में औरत होती है वो नरेटर की तरफ, वर्णनकर्ता की तरफ बहुत विचित्रता से देखती है, बिकॉज क्योंकि द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि जो नरेटर है वो उससे नीचे उतरकर, जब है ना कि वो नीचे उतरकर जाता है डेकोटा से, तो उसको कोई सॉरी फील नहीं होती, क्यों नहीं होती, वो कहाँ जा रहा होता है, वो कंट्रोल रूम में जा रहा होता है, क्योंकि जो वर्णन करता है वो ये बताता है, उसे पूछता है उससे अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, आस्क्ड हिम, नॉट आस्क्ड हिम, हर आएगा सॉरी, आस्क्ड हर अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन के बारे में उससे पूछता है. एंड शी सो नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म. लेकिन जो वो लेडी है वो बताती है, एक्सप्लेन करती है कि शी सो नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, कि उसने नरेटर के डेकोटा के सिवाय वहां पर कोई भी एरोप्लेन नहीं देखा, क्योंकि तूफान बहुत ज्यादा था, इस तूफान में कोई भी एरोप्लेन आकाश में उड़ नहीं रहा था. एक्सेप्ट नरेटर, नरेटर के एरोप्लेन के सिवाय. बेटा एक होता है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट होता है छोड़कर, इसके सिवाय. और एक होता है एस्पेक्ट, एस्पेक्ट, होप, ASPECT, एस्पेक्ट वो होता है होप, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट होता है आपका इसके सिवाय, इसको छोड़कर, इंस्टेड ऑफ इट. इवन द रीडर शॉड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई. जो इवन द राडर शॉड, केवल उनको राडर पर क्या दिखाई देता था, केवल
नरेटर का प्लेन ही उस रात दिखाई आकाश में दे रहा था और राडर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? आपके विचार में किसने मदद की नरेटर की सेफली सुरक्षित पहुंचने में? डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव्स रीजंस फॉर योर आंसर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा एग्जाम में, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। एग्जाम में जो आएगा आपका वो इतना ही क्वेश्चन आएगा कि आपके विचार में जो नरेटर है उसकी हेल्प कौन करता है? आई थिंक गॉड हेल्प द नरेटर। मेरे विचार में तो उसकी मदद किसने की नरेटर की? गॉड ने की। ही एम्प्लॉयड सम सुपरनेचुरल पावर टू हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। उन्होंने किसको एम्प्लॉय किया, किसको भेजा था? कुछ सुपरनेचुरल पावर को भेजा था नरेटर को सेफली, नरेटर की मदद करने के लिए सुरक्षित वो पहुंच जाए। इस मदद के लिए उन्होंने किसी सुपरनेचुरल पावर को, देवी शक्ति को उन्होंने भेजा था। सुपरनेचुरल पावर क्या होती है? देवी शक्ति होती है। अदरवाइज हाउ कुड ही फ्लाई सेफली थ्रू द दोज डार्क क्लाउड्स? वो अदरवाइज वो कैसे इतने घने गहरे काले बादलों में से वो सुरक्षित पहुंच सकता था? वेरियस थिंग्स सजेस्ट दिस, बहुत सारी चीजें हमें बताती हैं। द अपीयरेंस ऑफ द मिस्ट्रीज एरोप्लेन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस समय अचानक से मिस्टीरियस एरोप्लेन का एक रहस्यमयी ब्लैक एरोप्लेन का पर्टिकुलर टाइम, उसी विशेष समय पर वहां पहुंचना। हाउ इट न्यू द नरेटर वॉज इन ट्रबल, ये पता लगाते हुए कि जो नरेटर है वो मुसीबत में है। नो द पायलट ऑफ द मिस्टीरियस प्लेन कुड गाइड हिम, कैसे जो पायलट है ब्लैक एरोप्लेन का उसने नरेटर को गाइड करते गए। वेयर इट डिसअपीयर्ड, वो कहां अदृश्य हुआ। वाई द कंट्रोल टावर लेट नो सच कॉन्टेक्ट इट हैड टावर हैड नो कॉन्टेक्ट सच सॉरी वाई द कंट्रोल टावर हैड नो सच कॉन्टेक्ट इट, जबकि जो कंट्रोल टावर था उनके पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनके साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं था, उनको बिल्कुल किसी को अभी वो दिखाई नहीं दिया सिर्फ नरेटर के सिवाय। इसलिए हम कह सकते हैं कि गॉड ने उनकी हेल्प की। स्टूडेंट्स, जो हमारे पोयम है, फोर्थ पोयम जो हमने शुरू की है, उसके हम जो थ्री स्टैंडर्स रह गए हैं, फोर्थ पोयम हमारी कौन सी है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन कम्पोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। जो हमारी ये पोयम है इसके थ्री स्टैंडर्स हमारे रहते हैं। ये थ्री स्टैंडर्स और क्वेश्चन आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।